इस तरीके के हालात हो रहे हैं कि हम डूब के मर जाओ तो हालात है, ऐसे ऐसे हालात है कि हम भी मर जाओ, हमारे घोड़ों को भी मार डाले। चर्चित मेडिकेयर, जहां रेंट पर और खरीदने के लिए मिलते हैं संपूर्ण मेडिकल इक्विपमेंट्स, साथ ही आईसीयू केयर और बुजुर्गों की सेवा घर पर करने के लिए एक्सपर्ट नर्सिंग स्टाफ भी, मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध। चर्चित मेडिकेयर 24 घंटे आपकी सेवा में। जी मैं तो जहांगीर नाम है मेरा, नाल बांधू खुद ही, घोड़े की नाल बांधता हूँ, घोड़ा भी है अपना, और घोड़ों को खिलाना बहुत भारी पड़ रहा है अभी, जैसा कि धंधा नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के हिसाब से कोई पार्षद वगैरह जैसे हाथ जोड़ने तो बहुत आ जाते हैं कि हमको वोट दो, हमको वोट दो, इस टाइम में कोई नहीं आ रहा पार्षद के लिए, ये घोड़ों को दाना डाल देना या दान पुण्य कर देना, ये घोड़ों को खिला देना, ऐसा कोई नहीं आ रहा अभी पार्षद, किसी में जिगर ही नहीं है, किसी पार्षद में जिगर नहीं है, छाती पे बाल ही नहीं किसी पार्षद के। किस तरह के हालात हो रहे हैं अभी? इस तरीके के हालात हो रहे हैं कि हम डूब के मर जाओ तो हालात है, ऐसे ऐसे हालात है कि हम भी मर जाओ, हमारे घोड़ों को भी मार डाले। परिवार की अगर बात करें तो? परिवार की तो नहीं कर रहे हैं हम, तो हमारे घोड़े की बात कर रहे हैं, परिवार को तो क्या मारेगा, ऊपर वाला बेटा खिलाने वाला बहुत दान पुण्य आता है, खिला देते हैं उनको लेके। कंडीशन तो हमारी बिल्कुल ऐसी चल रही है कि कोई पार्षद और कोई मतलब पूछने वाला नहीं आ रहा है, ये है बात। क्या चाहते हैं आप? हम तो यही चाहते हैं कि हमारे घोड़ों को मिले, हमको मिले खाने के लिए, बच्चे हमारे भी भूखे मर रहे हैं, जब हमारा ही धंधा नहीं है तो हम भी भूखे ही मर रहे हैं एक तरीके के। ठीक, आपका नाम? जी जहांगीर नाम है मेरा। मेरा नाम गणेश कुमार भांडे है। हालात तो ये है कि इन घोड़े टांगों का धंधा ओनली वो टूरिस्ट धंधा है, यहाँ दरगाह बंद है, पुष्कर ब्रह्मा मंदिर बंद है, ये पुष्कर वर्मा मंदिर और ये खुला हुआ रहता तो धंधा चलता घोड़े टांगों का, बाहर की पब्लिक खाली बैठती है इसके अंदर। अब 11 बजे का टाइम है, ठीक है, आदमी सुबह 9-10 बजे टांगा जोड़ के आएगा, अब वो खाली घुमा के घोड़े को घर ले जाएगा वापस। अब इनको खिलाने पिलाने की परेशानी आ रही है लोगों के पास में, केयो के पास में 40-40, 50-50 जानवर भी है, केयो के पास 3-3, 4-4 जानवर है, अब वो भी क्या करे किसी से, सरकार कोई सुन नहीं रही है, दाना और महंगा हो रहा, दलिया पहले 15 रुपये था अभी 25 रुपये हो रहा है, तो ये चापड़ है जो पहले 12-10-12 रुपये थी अभी 25 रुपये के ऊपर हो रही है, कुट्टी 12-13 रुपये किलो दे रहे हैं मन मर्जी से, अपने मन मर्जी से सब दुकानदार भी भाव से दे रहे हैं। क्या चाहते हैं? सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि इनका कोई सोचे, कोई निवारण करे, टाइमिंग बढ़ाए थोड़ा, 6 से 5 कर दे यहाँ तो। आपका नाम? मेरा नाम गणेश कुमार। नाम धर्मा है भाई साहब, बचपन से तांगुड़ा चलाता हूँ, मेरे पिताजी भी यही चलाते हैं, जो बस इसी से चलता अपना काम। अभी 2 महीने हो गए ना तो कोई चल रहा है ना कुछ कर रहा है, इनके ही भूखे मर रहे हैं, हम भी भूखे मर रहे हैं, कोई चारा कुट्टी मिले तो, पहले बात तो कोई ना कोई पार्षद दिला रहा है ना कोई आके कोई कह रहा भाई क्या है, कोई मांग तांग के खिला रहे चला रहे और क्या करें। किस तरह से चारा खिला रहे हो आप? चारा तो किसी ना किसी से मांग के लाते, कोई गाय वाला हुए तो थोड़ा बहुत मांग लिया, या भी कोई सड़क के ऊपर दोबड़ी ओबड़ी है तो वहाँ चरा लेते हैं, यूं ही घुमा लेते हैं, क्या करें। घर के हालात की अगर बात करें तो कैसे? घर भाई खाने के ही फोड़े, जब अपन खुद ही नहीं कमा रहे हैं इसको कहाँ से खिलावें, घर कोई अब घर में है क्या, किसी से कोई बोले ला भाई दे तो उधार कोई दिखता नहीं, कोई किसी ने मदद की है? नहीं नहीं, कोई किसी ने कुछ नहीं। क्या मांग रखते हैं? क्या है कोई खर्चा पानी मिले, इनको खिलाने का मिले, क्या करे, कोई धंधा हुए? अरे हमको खाने के लिए नहीं, इनको खाने के लिए दे रहे हैं। क्या चाहते हैं भाई? घोड़े को तो दाना मिले, अपने को तो क्या है, कोई नहीं मिले तो चल भाई कोई भी काम करे, पर इसको खिलाना भारी पड़ रहा है ना, इसके लिए बिल्कुल ही नहीं है खाने का, किस किस से मांगे। कैसा था आपका घोड़ा और कैसा होगा? घोड़ा लाए थे 40,000 का, अभी कोई खरीदे नहीं, 10,000 का गोल अंडा था यार, अभी कोई 5,000 में कोई फ्री में दे तो नहीं ले, बोले खिलावे कहाँ से।